हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टैंड कथन। स्टैंड कथन में आज हम करेंगे 11 मार्च 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में किसे विश्व का समकालिक महान नेता चुना गया है, तो ये हैं महाराजा रणजीत सिंह जी। आप इनको जानते हैं, इनका फोटो देखिए। इनका जन्म तत्कालिक पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में हुआ था। इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने न केवल पंजाब को एकजुट रखा, साथ ही इन्होंने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य पर कब्जा करने की अनुमति भी नहीं दी। मैंने दो नाम और बताया था कि टाइम्स वालों ने इंदिरा गांधी को 1976 के लिए और अमृत कौर को 1947 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर चुना था। बीते दिनों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जिसे कहते हैं, ने किस हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाल ली है, तो ये हवाई अड्डा है जी, जम्मू हवाई अड्डा। ठीक है, जम्मू एयरपोर्ट को इन्होंने अपने अधीन लिया है। CISF ने 26 तारीख को श्रीनगर हवाई अड्डे को भी अपनी जिम्मेदारी ली थी जी। ठीक है, CISF के अंतर्गत अब कुल 63 हवाई अड्डे हो गए हैं। मित्र दिनों आई फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत इसमें 83वें स्थान पर है जी। ठीक है, तिमोर और सेनेगल के साथ संयुक्त रूप से ये तीनों हैं जो 83वें स्थान पर हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो संकेतकों को प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है राजनीतिक अधिकार और दूसरा नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, इस रिपोर्ट को एक अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया जाता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विमानों को सुरक्षा देने के लिए किस देश से मिसाइल प्रोटेक्शन सूट खरीदने की घोषणा की गई है, तो ये देश अमेरिका है जी, और अमेरिका से ये सूट खरीदा जाएगा। ठीक है, कैपिटल इसके वाशिंगटन DC है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी की बात आएगी तो अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी है। प्रेसिडेंट यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप हैं और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं जी, दोनों रिपब्लिकन पार्टी के हैं। यहाँ के जो लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस कहा जाता है। अपर हाउस यानी कि जो अपने यहाँ राज्यसभा है उसको सीनेट, और लोअर हाउस यानी लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, संसद को कांग्रेस, याद रखेंगे। बीते दिनों किसने वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में लॉजिस्टिक्स बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है, तो ये अपने देश के हाल कर रहा है जी। ठीक है, हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका उद्देश्य है भारत के सैन्य हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदने के लिए आकर्षित करना है जी। हाल का फाउंडेशन 1940 में हुआ था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से, लेकिन 64 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। इसके फाउंडर हैं बालचंद हीराचंद, चेयरमैन और MD हैं R माधवन जी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बीते दिनों किस बैंक ने जोमैटो के ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड सुविधा देने के लिए हाथ मिलाया है, तो ये बैंक RBL बैंक है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये दो प्रकार के कार्ड होगा, एक बेसिक और एक प्रीमियम डेबिट कार्ड होगा जी। बेसिक कार्ड में हर इस्तेमाल पर जोमेटो क्रेडिट मिलेंगे, जिसे ग्राहक जो होंगे वो सूचीबद्ध रेस्तरां में जाकर के रिडीम करवा सकते हैं। RBL और जोमेटो 24 महीनों में 1 बिलियन यानी 10 लाख यूजर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है जी। चलिए अब RBL के बारे में जानेंगे। इसके MD और CEO श्री विश्ववीर आहूजा हैं। इसके टैगलाइन है अपनों का बैंक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, वहीं जोमैटो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, और जोमैटो के CEO हैं दीपिंदर गोयल। बीते दिनों किसने अपने 19वें स्थापना दिवस पर लाइट कॉमर्शियल एयर कंडीशनरों और डीप फ्रीजर के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये शुरू किया है BEE ने। ठीक है, इसका पूरा नाम ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है, यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसके महानिदेशक श्री अभय बाकरे हैं, नई दिल्ली में मुख्यालय है, विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है जी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के अनुसार अगले वर्ष 3 से 7 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो ये शहर पुणे होगा जी। ठीक है, पुणे में किया जाएगा 2021 में, और इसका विषय होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वोमेन एम्पावरमेंट। डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना को 2021 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के अध्यक्ष KS रंगप्पा हैं, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है जी। 1914 में पहली बार किया गया था कोलकाता में ही, और
ये चौथी बार होगी जब पुणे में इसकी आयोजन होगा। बीते दिनों सीमा वर्मा को किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स का एक प्रमुख सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये अमेरिका में इनको नियुक्त किया गया है जी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, इनका फोटो देख रहे होंगे आप, इन्होंने ही इनको नियुक्त किया है, ठीक है ना। ये मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज के प्रशासक हैं सीमा वर्मा, ये एक अमेरिकी भारतीय हैं जी, ठीक है ना, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये। बीते दिनों किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विज्ञान ज्योति नामक योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है टीफैक ने, TIFAC, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे, ये एक्चुअली प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान, इसका पूरा नाम है, एवं मूल्यांकन परिषद है, और इसका गठन 1988 में किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, ठीक है। केंद्र सरकार ने लड़कियों के बीच स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान ज्योति को लॉन्च किया है। स्टेम का पूरा नाम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया है? तो ये हैं रंजना प्रकाश देसाई, ये पूर्व जज हैं जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। परिसीमन निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को तय करने की एक प्रक्रिया है, तो परिसीमन के मतलब आपको पता होना चाहिए। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी करना बंद कर दिया है? तो वो राज्य अरुणाचल प्रदेश है जी, ठीक है ना। आप याद रखेंगे ये संरक्षित क्षेत्र परमिट बोला है, प्रतिबंधित नहीं, दूसरा होता है प्रतिबंधित, ठीक है ना। इसमें हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं जी। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो ईटानगर राजधानी है, जिले 23 हैं, राजभाषा अंग्रेजी, गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। बी डी मिश्रा इसके राज्यपाल हैं और पेमा खांडू मुख्यमंत्री। यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं जी, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीटें हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ आता है। जवाब लेंगे सवाल 321 के। बीते दिनों पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया जी। मैंने आपसे थीम पूछा था तो ईच फॉर इक्वल इसके थीम है। 1 मार्च को मनाया गया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। अब रिविजन करते हैं ज़रा, आप ही में से एक दोस्त हैं रॉकी जी और उन्होंने बहुत ही शानदार कमेंट लिखते हैं, तो सोचा कि क्यों ना एक बार आपको रिविजन करवा दूँ फटाफट। मैंने कल पढ़ाया था जो आपको, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल करके संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया है, ठीक है। IIT मद्रास को ने AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन बनाया है जी। राजकुमारी को 1947 के लिए पावरफुल वोमेन लिस्ट में शामिल किया गया जो कि टाइम का मैगजीन है, ठीक है। मैंने टी प्लांट बताया था जो इंडोफैटिक एक्टिनो बैक्टीरिया के लिए था, और फेसबुक के प्रमुख बनी है बिपाशा चक्रवर्ती। IIT मुंबई QS वर्ल्ड में टॉप पे है, यानी 44वें स्थान पर वैसे, और 47वें पे IIT दिल्ली, मैंने बताया था आपको। तमिलनाडु PM पोषण आहार में फर्स्ट आया है जी। वैसे ही कुछ और है, जैसे मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल को ध्रुव बात्रा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आप भी ऐसे रिविजन करते रहिए, आगे बढ़ेंगे और आज का सवाल लेंगे। इन्होंने जवाब भी लिखा है वैसे 8 मार्च। आज का सवाल है, बीते दिनों किसे 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आप उनका नाम बताइए और उनके बारे में बताइए, क्या कोई और अवार्ड उनको दिया गया है ये भी बताइए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।